बिहार में हो रही जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। गुरुवार को चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया कि गणना तत्काल रोकी जाए। इससे पहले हाई कोर्ट में मामले को लेकर दो दिन सुनवाई हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने कहा है कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाए। मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित गणना सर्वसम्मति से कराई जा रही है। हम लोगों ने केंद्र से इसकी अनुमति ली है। हम पहले चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वे कराने का फैसला लिया। हम लोगों को बिहार में भी ये मैंने पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, ये हम लोग मांग किए, दो दो बार किए हैं वहाँ से। और फिर हम लोगों ने सब पार्टी के लोग मीटिंग करके और फिर जाके माननीय प्रधानमंत्री से मिले और वहाँ पर तो सब लोग बात रखे। अब सोच लीजिए, तो वहाँ से आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे, अब आप लोगों को करना है करें। तो हम लोगों ने फिर मीटिंग की आपस में और सभी पार्टी ने मिल करके तय किया है बिहार में और क्या होगा उसका नाम। तो जाति आधारित जनगणना तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना की बात की कि हम लोग एक बार कर लें और सब लोगों की राय से भाई एक साथ बैठ के तय। कोर्ट के निर्देश के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहती है कि जातीय गणना हो। नीतीश कुमार की गलतियों की वजह से ही हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। वहीं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि यह हाई कोर्ट का अंतरिम फैसला है, इसे फाइनल नहीं माना जाना चाहिए। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार फैसले का अध्ययन करेगी और आगे कौन सा कदम उठाया जाए इस पर विचार होगा।